सत्कारयोग पत्रकार साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन वजह, मेन एजेंडा ये है कि एक तो आपने देखा है कि पिछले दिनों से सभी माननीय हाई कोर्ट जी का फैसला आया रस्तों को खुलवाने के लिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अगले पक्ष अपना काम किया वो भी आप सबके सामने है। उसके साथ साथ एक इश्यू है कि जो हमारा नौजवान है नवदीप जलवेड़ा जेल में बंद है, उसको रिहा करवाने के लिए हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है 17 और 18 जुलाई का, वो एज इट इज जारी है। जब तक सरकार उन्हें रिहा नहीं करती, अगर सरकार उनको रिहा कर देती है तो फिर कोई किसी तरह का मतलब वहां पे जाकर प्रोटेस्ट करने की कोई मतलब नहीं होता। तो अगली बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आप सबके साथ साझी करनी चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए, जिस समय शुभकर्ण के मैटर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो हमारे माननीय हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट के ही एक अधिकारी जज के कमिश्नर साहब को, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को ये जांच सौंप दी गई है। ये बहुत अन्यायपूर्वक बात हो रही नजर आ रही है हमारे साथ, क्योंकि जिस समय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक रिटायर जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया था, उस समय हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है, वहां जाकर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी समझने वाली है। वहां पे ये कहा है पुलिस का जो मनोबल है वो गिरेगा। सेकंड बात उन्होंने ये बात कही, बड़ी डेंजरस बात है, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फायरिंग भी उन्होंने की, हमारे किसान जख्मी किए, हमारा एक किसान शहीद किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना हो पाए ठीक ढंग से, उसके लिए वहां तक गए। इसका मतलब क्लियर है कि अपने अधिकारियों के ऊपर शेल्टर करने का पूरा प्रयास किया, शेल्टर देने का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है तो फिर उसी हरियाणा गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन देना, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं बचती हमारे लोगों को। हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि माननीय हाईकोर्ट इस बात के ऊपर उन्हें विचार करें, उन लोगों को वो इन्वेस्टिगेशन देना उचित नहीं है, जो हमारा मानना है। दूसरी बात, एक बात और है कि रास्ता खुलवाने के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विदिन वीक, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया, मैं हमने पहले भी ये कही थी बात कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी, लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे, रास्ता तो हमारे आने से 5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था, तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और खास तौर पर मैं ये कहूंगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें, और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाए। ये हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है रास्ता खुलने के बाद हम अपना तामझाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा, सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो
हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। प्रोग्राम दिया हुआ है 17 और 18 जुलाई का, वो एज इट इज जारी है जब तक सरकार उन्हें रिहा नहीं करती। अगर सरकार उनको रिहा कर देती है तो फिर कोई किसी तरह का मतलब वहां पे जाकर प्रोटेस्ट करने की कोई मतलब नहीं होता। तो अगली बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आप सबके साथ साझी करनी चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए, जिस समय शुभकर्ण के मैटर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो सदे हमारे माननीय हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट के ही एक अधिकारी चज्जर के कमिश्नर साहब को, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को ये जांच सौंप दी गई है। ये बहुत अन्यायपूर्वक बात हो रही नजर आ रही है हमारे साथ, क्योंकि जिस समय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक रिटायर जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया था, उस समय हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है, वहां जाकर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी समझने वाली है। वहां पे ये कहा है पुलिस का जो मनोबल है वो गिरेगा। सेकंड बात उन्होंने ये बात कही, बड़ी डेंजरस बात है, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फायरिंग भी उन्होंने की, हमारे किसान जख्मी किए, हमारा एक किसान शहीद किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना हो पाए ठीक ढंग से, उसके लिए वहां तक गए। इसका मतलब क्लियर है कि अपने अधिकारियों के ऊपर शेल्टर करने का पूरा प्रयास किया, शेल्टर देने का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है तो फिर उसी हरियाणा गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन देना, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं बचती हमारे लोगों को। हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि माननीय हाईकोर्ट इस बात के ऊपर उन्हें विचार करें, उन लोगों को वो इन्वेस्टिगेशन देना उचित नहीं है, जो हमारा मानना है। दूसरी बात, एक बात और है कि रास्ता खुलवाने के मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विदिन वीक, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया, मैं हमने पहले भी ये कही थी बात कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी, लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे, रास्ता तो हमारे आने से 5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था, तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और खास तौर पर मैं ये कहूंगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें, और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाएं। ये हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना ताम झाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज्यादा देखा है, घर बन चुके हैं, उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा, सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे।